भगवान सिंह जी आपको एसटी बेलफोर्ट बोर्ड का मेंबर बनाया है और आप लगता है कि पहले कई सरकारी डिपार्टमेंट भी हो गए, रिटायर होने के बाद में ये आपको मौका मिल रहा है, तो आप इस मौके को कैसे निभाएंगे? ऐसा है सर, आज साहब श्री राजेंद्रपाल गौतम जी और हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमारे बीच में हमारा हौसला बजाई किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं उनको ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि एससी एसटी के साथ अगर कहीं भी जाति होगी तो उसके लिए हम 24 घंटे तैयार रहेंगे। आज हमारे समाज के साथ जो जातियाँ हो रही हैं उनकी आवाज़ बहुत कम उठाई जाती है क्योंकि हमारे जुझारू साथी बहुत कम हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा, 24 घंटे तत्पर तैयार रहूँगा। एससी एसटी के बारे में कहीं भी अगर मुझे सूचना मिलेगी कि उनके साथ जाति हो रही है तो मैं उन साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको न्याय दिलाऊंगा। अगर गवर्नमेंट के अंदर भी मुझे आवाज़ उठानी पड़ी तो मैं समय समय पर अपने चेयरमैन के साथ और अपने मंत्री जी के सामने उनकी समस्याओं को रखूंगा और कोशिश करेंगे सभी मेंबर इकट्ठे होकर हम अपनी बात को मनवाएंगे कि एससी एसटी के साथ जो जाति है वो ना हो, तभी हमारा मेंबर बनने का फायदा है और हमने समाज को और आगे ले जाना है। तो मैं दोबारा फिर सर, ऐसा होता है कभी कभार जब पावर मिल जाती है तो उस पावर का इस्तेमाल नहीं करते और फोन बंद करके घर में सो जाते हैं। हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, हमारे बीच में बहुत से साथी ऐसे हैं वो पद तो उनको मिल जाता है पर वो उसका यूज नहीं कर सकते, उनको अपनी पावर का नहीं पता होता कि हमारी पावर क्या है। या तो वो सबसे पहले ये कहेंगे मेरे पे समय नहीं है या फिर कोई और बहानाबाजी करेंगे। तो जितने भी मेरे साथी मेंबर बने हैं तो मैं उन लोगों से सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि जब भी आपके आपके पास कोई ऐसा एसटी का केस आए जो हमारे समाज के साथ जाति हो रही हो, अगर वो अकेला उसको सॉल्व नहीं कर सकता तो अपने दूसरे मेंबर की सहायता ले। हमारे साहब श्री राजेंद्रपाल गौतम जी 24 घंटे कोठी मिलते हैं और हमेशा फ़ोन को अटेंड करते हैं, भाई रविशंकर जी हैं सफाईयों के मेंबर हैं, इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो जब जब भी किसी के साथ जाति होगी हम भाई रविशंकर जी के माध्यम से, साहब श्री राजेंद्रपाल गौतम जी के माध्यम से और सरकार के माध्यम से उसको हल करेंगे। जय भीम सर, जय भीम।